हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी बहुत ही अच्छी हूं। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं करवा चौथ व्रत की सामग्री। और मैं ब्लॉग भी बनाई थी जो कि राजा तालाब गई थी, तो उसका जो सामान था उसका मैं रिव्यू मतलब शेयर नहीं कर पाई थी। मैं नहीं अब बता पाई थी क्या क्या परचेज की हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं 3 पॉलीथीन में जो कि मैं सामग्री परचेज की हूँ जो कि करवा चौथ व्रत के लिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि मैं क्या क्या सामग्री जो कि परचेज की हूँ करवा चौथ पूजन के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं करवा माता का एक फ़ोटो ली हूँ क्योंकि करवा चौथ में सबसे ज़रूरी फ़ोटो होता है। इसके बाद मैं एक फाल ली हूँ जो कि चढ़ाने के लिए, और ये है करवा चौथ पूजन सामग्री। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि मेरे को 75 रुपीज में मिल गया था। इसमें ये सभी जो लिखा हुआ है वो सब उपलब्ध है। तो गाइस, उपलब्ध है कि नहीं है अभी मैं भी नहीं देखी हूँ, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि सच में जो लिखा हुआ है कि नहीं है। इसके बाद गाइस देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। तो दूसरा जो है गाइस वह है चूड़ियाँ जो कि कांच की रेड कलर में ली हूँ। और फ्रेंड्स, मेहंदी और आल और लिपस्टिक, जूरा, बिंदी मतलब टिकली जिसको बोलते हैं, सिंदूर, ये सब सामग्री जो है 7 चीज़ें मैं ली हूँ करवा माता को चढ़ाने के लिए। तो फाइनली गाइस, एक पॉलीथीन फिनिश हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरे पॉलीथीन में क्या है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दूसरे पॉलीथीन में ये करवा चौथ व्रत के लिए मैं थाली ली हूँ, चलनी और एक लोटा है इसमें, जो कि ये मेरे को 200 रुपये में मिल गया था। और कांच की चूड़ियाँ मैं अपने लिए ली हूँ, और ये माटी का सेट है, ये सब मैं अपने लिए ली हूँ गाइस। ये सब जो दिखा रही हूँ, ये मैं लिपस्टिक ली हूँ, नेल पॉलिश ली हूँ और एक मंगलसूत्र ली हूँ, और इसके साथ ही नया मैं सिंदूर ली हूँ। करवा चौथ पे आप कुछ ले या ना ले, सिंदूर ज़रूर ले। और मैं बिंदी अपने लिए भी ली हूँ, और ये नथिया ली हूँ जो कि पहनने के लिए, और एक कंघा भी ली हूँ। तो गाइस, दूसरा जो पॉलीथीन वो भी फिनिशिंग हो गया है। तीसरे में मैं लिप लाइनर ये है, और मैं बैंगल ली हूँ एक पहनने के लिए अपने लिए। तो गाइस देख सकते हैं, ये हो सकेगा तो पहनूंगी, नहीं तो दूसरे त्यौहार में पहन लूँगी क्योंकि यह तांबे यानी कि पीतल का है। तो फ्रेंड्स, और मैं ली हूँ वाइट टोन क्रीम। इतना ही सारा सामान जो कि मैं करवा चौथ पूजन व्रत के लिए ली हूँ। अभी सारा सामान जो कि गाइस मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि अर्पिता का तबीयत नहीं सही था, तो मैं इतना ही ले पाई। और गाइस, मैं ली हूँ काजल और एब्रो पेंसिल, और गाइस मैं एक कंगन यानी कि बैंगल और ली हूँ, ये कांच का है, इसमें सब कलर मिक्स था तो मैं इसको भी ले ली क्योंकि कांच का बैंगल पहनने में अच्छा रहता है करवा चौथ व्रत में। तो गाइस, मैं इतना सारा सामग्री जो कि करवा चौथ व्रत पूजन के लिए ली हूँ। आई होप कि गाइस यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए सहायकपूर्ण भी होगा कि हम करवा चौथ व्रत में क्या क्या सामग्री खरीदें। और सारा सामग्री कुछ बाकी है जो कि मतलब कच्चे फल, मिठाइयाँ, ये सब, तो मैं ये सब गाइस करवा चौथ एक दिन रहेगा या फिर करवा चौथ को खरीदूँगी, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं क्या क्या सामान जो कि करवा चौथ पूजन यानी व्रत के लिए खरीदी हूँ। मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ कि इसमें जो जो सामग्री लिखा है सच में वह हुआ है कि नहीं है, नहीं तो पूजा के दिन हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं मिलेगा सारा सामग्री, तो हमारे दिल में एक भ्रम रहेगा कि हम सारे सामग्री से पूजा नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। तो मैं ली हूँ कैंची, और कैंची की मदद से इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो फिर से अनबॉक्सिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामग्री के तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि हमारा व्रत पूजन सामग्री करवा चौथ का ओपन हो गया है। और देख सकते हैं आप, इसमें हमें लग रहा है कि सारा सामग्री जो लिखा हुआ है वह सब है इसमें। इसमें ये अगरबत्ती है, और ये हल्दी है, ये काली तिल है, ये सिंदूर है, और ये गंगा जल है, ये माचिस है, और यह मिट्टी का दिया है, यह बाती है, और ये है सामग्री, इसको हम सामग्री बोलते हैं, और ये है सिंदूर तिलक, और ये है सुपारी, और ये रक्षा है, ये अक्षत यानी कि चावल है, और इसमें है घी जो कि भगवान जी को चढ़ाने के लिए काम आएगा। और फ्रेंड्स, इसमें कपूर भी है, और दिया गाइस 2 दिया है इसमें, मिट्टी का 2 दिया हमको मिला है पूजन के लिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमें बुक भी एक मिला है, ये देख सकते हैं करवा चौथ व्रत कथा, जो कि बुक भी हमें देखने के लिए मिल गया है।
यानी कि टोटल फ्रेंड्स इसमें रंगना भी है, बुकनी भी है, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स टोटल मतलब जो जो लिखा था वह सभी सामग्री इसमें उपलब्ध हैं। तो गाइस पूजन की सामग्री जो है वह गलत नहीं लिखा जाता है, वह सही रहता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इधर जो कि लिखा हुआ है, तो गाइस देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है शुद्ध सरल हिंदी भाषा में व्रत की कथा, व्रत का विधान एवं चार कहानियों एवं आरतियों सहित, जो कि इसकी MRP है 25 रुपीज। तो 75 रुपये में गाइस ये जो पूजा सामग्री इसमें ये किताब बुक हमें फ्री में मिला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो कि यह बुक मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसमें गाइस सबसे पहले है करवा चौथ व्रत, व्रत का समय तिथि, व्रत रखने की विधि, करवा चौथ व्रत कथा 1, मतलब चार कथाएं इसमें, 2 और 3, ये इधर होगा 3, हाँ ये है 3, करवा चौथ व्रत कथा 3 और इधर करवा चौथ व्रत कथा 4। तो फ्रेंड्स ये 4 कथाएं हैं और इसमें हमें सबसे पहले आरती मिलेगा, जो कि आरती श्री गणेश जी की। सबसे पहले कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी का आरती है, उसके बाद शिव जी की आरती है और करवा चौथ माता जी की आरती है। 3 आरती इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली गाइस आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वह सबसे पहले आपके पास